यहाँ पे यू आर क्लब के कुछ नुमाइंदगान मेरे साथ मौजूद है। आइए चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, ये इस क्रिकेट फैसल हिल्स का जो क्रिकेट ग्राउंड है ये मुस्तकबिल के अंदर कितने कुछ आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट को मकबूल करने में अपना किरदार अदा करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे कांडी ये बात बताइएगा कि फैसल हिल्स का ग्राउंड जो है ये बहुत अच्छा एक ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्रिकेट भी खेले हैं, मुझे कांडी ये बात बताइएगा कि इस ग्राउंड को आप कैसे देखते हैं कि ये ग्राउंड आपको या पाकिस्तान की टीम को किस तरह के खिलाड़ी जो है वो पैदा करके देगा? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्राउंड है ये फैसल हिल्स में, और यहाँ पर यू आर क्रिकेट क्लब एंड अकेडमी खेलती है, जो कि फैसल हिल्स में एक दो ग्राउंड और भी हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमारी क्लब में से जो टीम के प्लेयर्स हैं उनमें से एक दो प्लेयर ऐसे भी है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर के जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनमें भी खेले हैं। ये ग्राउंड इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि उस्मान शाह हैं जो कि अभी हाल ही में T10 लीग खेले हैं लाहौर कलंदर की तरफ से। जी नादिन, जैसा कि आपने सुना इनका ये कहना था कि फैसल हिल्स का ये ग्राउंड जोन है इसके अंदर जो अभी PSL चल रहा है इसके मुख्तलिफ जोन है खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये फैसल हिल्स का ये ग्राउंड है इसमें ये कितने अरसे से खेल रहे हैं और इनको कैसा महसूस हो रहा है इस ग्राउंड के अंदर जो इनके घर के करीब वाकया है, खेल के इनको कैसा महसूस हो रहा है? जी तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम है जगुआर क्रिकेट क्लब और हमें 4-1 साल हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। तो इससे ये जो फैसल हिल का क्रिकेट ग्राउंड है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास की लेवल की क्रिकेट है। इसमें ये है कि हम एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं और काफ़ी अच्छे बैट्समैन और बॉलर हम पैदा कर सकते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है वो रोज़ का 2 घंटे का होता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर जो हम अभी अपनी गेम कर रहे हैं ग्राउंड में थोड़ी सी तब्दीलियाँ ज़रूर आएँगी, वो थोड़ा ग्रासी पिच बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बाउंड्रीज बिल्कुल मुकम्मल है। 25 कदम की पिच है प्रॉपर, बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ग्राउंड होते हैं लाइक ओवल, उस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी भाई, मुझे ये बात बताइएगा कि फैसल हिल्स का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो ये ग्राउंड है, अभी ग्राउंड की कुछ चीज़ें अभी बन रही हैं, माशाल्लाह पिच जो है वो बनी हुई है, ग्रासी अभी इसके ऊपर ग्रास बिछाने का काम जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो इस ग्राउंड को आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर खेल के आपको कैसा महसूस होगा? मुझे 8 साल हो गए हैं मैं खेल रहा हूँ, क्लब लेवल भी मैं खेल चुका हूँ, लेकिन मौके की बात है सारी, मौका नहीं मिला, लेकिन पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लब क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं हम। और ये मेरे भाई यूर्स एकेडमी वाले ये काफ़ी मेहनत करते हैं, फैसल भाई हमारे हैं वो, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस ग्राउंड में, और फैसल ने हमें काफ़ी अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड किया और हमें नेट सेशन भी इन्होंने दिए हुए हैं, और दिन में हम तकरीबन 3 से 4 घंटे नेट सेशन भी करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इनका ये कहना था फैसल हिल्स का ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ये ग्राउंड है ये क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान को प्लेयर जोन से है वो भी प्रोवाइड करेगा, और ये इस ग्राउंड के अंदर ये जो उनसे लोकल लोग हैं यहाँ पे इस फैसल हिल्स के रहने वाले लोग ये खेल के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इनका ये कहना है ये तमाम तम काविशें चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हैं जिनका ये विजन है कि वो क्रिकेट के साथ साथ जहाँ पे वो लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं इसके साथ साथ वो मुल्क के अंदर क्रिकेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा नुमाया काम कर रहे हैं। जी ना जी, मेरे साथ एक और यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल हिल्स ने जो इन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड दिया, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इन्हें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैसल हिल्स के अंदर क्रिकेट ग्राउंड दिया इसके बारे में इनका क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, जैसा कि टेक्सला में हमारे इधर टेक्सला शहर में एक भी स्टैंडर्ड का कोई ग्राउंड नहीं है, एक हमारे पास है जो म्यूजियम ग्राउंड है हल्का फुल्का, कहा था अप्रूव होगा ग्राउंड, अप्रूव अभी तक कोई अप्रूव होने के चक्कर के बाद भी अभी तक कोई ग्राउंड हमें मुहैया नहीं किया, आसपास वाक एंड में ग्राउंड है इस तरह। अब ये फैसल हिल्स एक नई कॉलोनी बन रही है तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है टेक्सला के लड़कों, टेक्सला के लड़कों को करीब ही पड़ता है और इजीली आ जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप इधर आके आराम प्रैक्टिस करें, प्रॉपर आपको नेट्स दिए गए हैं, प्रॉपर आपको कोचेज भी मिलेंगे यहाँ पर जो सिखा रहे हैं, जो आगे आपको जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे लेके जाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे।
जी मुझे ये बात बताइएगा कि आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब के इस फैसल हिल्स के अंदर खेल के चौधरी अब्दुल मजीद साहब को क्या पैगाम देंगे जिन्होंने क्रिकेट की बहाली और फ़रोग के लिए इतने एहसन और इतना बड़ा इकदाम किया है। जी हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अच्छा ग्राउंड दिया है। हम क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं अच्छी तरह, और हम जो छोटे छोटे लड़के हैं जितने भी हम इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें मैच मिलते हैं टोटल यहाँ, और टीमें अच्छी अच्छी आती हैं, और यहाँ कई लड़के आगे फर्स्ट क्लास में खेल चुके हैं, जैसे कि उस्मान शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, लाहौर कलंदर में T10 लीग भी खेल चुके हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम छोटे छोटे लड़के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, नेट करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनका जिन्होंने ये ग्राउंड हमें दिया है। तो थैंक यू जी। नाज़रीन, इस टाइम मैं फैसल हिल्स के ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। टीमों के दरमियान मैच चल रहा है, मैच बहुत दिलचस्प था। अभी थोड़ी देर कबल चौधरी अब्दुल मजीद साहब ZM के जो चेयरमैन हैं वो आए, उन्होंने बैटिंग की, बहुत प्यारी बैटिंग की, 2-3 हिटें बहुत प्यारी लगाई, शाह साहब को उन्होंने बहुत प्यारा स्टॉप किया। और उनका ये कहना था कि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट और सिटी लेवल की क्रिकेट को उन्होंने कहा कि जी आपको शेड्यूल हमें बना के दें ताकि हम मुख्तलिफ शहरों के मैचेस, टीमों के मैचेस आपस में करवाएं। आपने ये देखा मेरे बैग के ऊपर क्रिकेट जारी है, और चौधरी मजीद साहब की ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट जो है फैसल हिल्स के अंदर दिया है। अपने मेज़बान राजा अरुण को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।